यहाँ बाकी जितने भी महान शख्सियत हमारे बैठे हैं, हमारे गुरु जी बैठे हैं, डॉक्टर सुभाष जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय कैप्टन साहब बैठे हैं, राशिद साहब बैठे हैं, सिंह साहब बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम, जय माता दी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ये डोगरा लोक लर्निंग फोरम को, जिन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि अचीवमेंट तब तक अधूरी रहती है जब तक उसको उसकी प्रशंसा न की जाए। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे भी हमारे जितने होनहार बच्चे किसी भी फील्ड में आगे निकले, उनको हमेशा आप ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। इन्हें कहने के होना कि सारे जेड़े बाकी जेड़ा मेरा मानना कि सारे जेड़े बाकी बच्चे ने उन्हें भी काफी सारा मोटिवेशन होना आले के सारे लोग के ये नहीं आते कि बच्चे जा सारे कई डॉक्टर वास्ते और सारे वास्ते सारा एक रोल मॉडल जो जिंदगी के बेटी फर्स्ट यानी कि आईएएस है इतनी थी यानी उन्हें कहने के होइए ना कि इन्हें अगर आज फंक्शन कर जाए उन्हें कहने बच्चे की बाकी पब्लिक की अगर इनवाइट कर जाए आखते ना कि रीस करने वाली डोगरी आखती है गुआढ़ी दिखी है रीस का होती ना वो कहना की होता कि सारे जेड़े बच्चे वो बच्चे की होते हैं कंपीटिशन च होते ये पहला एक भावना ही है अफसर का बच्चा अफसर बनना डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना नेता का बच्चा नेता वो भावना अजकल खत्म हो चुकी है। इस वास्ते इतना क्योंकि बड़ा अच्छा मौका कि अब काफी सारे लोग जेड़े के सारे बिल्कुल रोल मॉडल सुंदर बने ना उनके कहना मिलने का मौका लगा था तो इस वास्ते जेड़े भी था जो बच्चे साढ़े आए हैं क्योंकि अज सदा सारा जो विषय है वो बच्चे उपर है तो उनके बच्चे प्लस उनके पेरेंट्स प्लस उन्हें जिन्हें लोगों की उन्हें इस मुकाम उपर पहुंचाने वास्ते मदद की दी उन्हें मैं अपनी दिल की गहराइया करना बिल्कुल बेस्ट विशेज करना और बधाइया देना और बच्चे की भी यह आखना कि अगर तुसे एक चीज यह है कि जी सा सुंदर बनी है उसी और भी सुंदर करने वास्ते क्योंकि जियां कि साढ़े अजकल डायरेक्टर्स भी साढ़े सुंदर बनी गए यानी काफ़ी हाईएस्ट पोस्ट है पर यह नहीं कि आने वाले साढ़े काफ़ी सारे ऑफिसर भी आर्मी में भी काफ़ी हाई पोस्ट उसके कहने की होता कि साढ़े इलाके की तरक्की हो और तुस साढ़े बिल्कुल पिलर आपका सुंदर बनी हो यानी कि थम हो जिसी डोगरी आखते हैं कि तुस साढ़े थम हो और थमे की मजबूत जिन्हें मजबूत तुस होगो इन्ना उपर छत साढ़ा सही सितर रहना ज्यादा ना बोलते क्योंकि खादा पहले तो लोग आखे शायद हो सकता कुछ है कि मेरी डोगरी अगर समझ नहीं आए तो आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश अगर वो गाँव में यहाँ के जो रहने वाले हैं इन्होंने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को इस स्थान जगह पे पहुंचाया है और इनकी देखा देखी में हमारे जो मैक्सिमम और बच्चे हैं हमारे गाँव के खासकर के रूरल एरिया के वो लोग और आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि कल हमारा कोई ऑफिसर नहीं है खास करके जेके एस करके जो बच्चे आगे जा रहे हैं जितनी भी हमारे स्टेट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो भी है वो सारी उनके हाथ है और आने वाले समय में हमें ये खुशी होगी जब हमारे बच्चे इस पोस्टों में बैठेंगे सेक्रेटरियट में बैठेंगे जो हम आज अभी हमारे जो पुराने नेता है बीजेपी के सीनियर नेता है कैप्टन साहब एग्जाम्पल दे रहे थे कि सुंदर बनी का कुछ नहीं बना और वाकई आज हमें कभी किसी लीडर के पीछे घूमना पड़ता है कभी किसी लीडर के पीछे घूमना पड़ता है और अपना समय तोड़ना पड़ता है फिर भी हमारे काम नहीं होते कल जब जो सेक्रेटरियट में हमारी क्लीन बैठी होगी हमारे बच्चे बैठे होंगे हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं अपने आप जो प्लानिंग होगी अपने आप डेवलपमेंट होगी। नमस्कार मेरा नाम कार्तिक शर्मा है मैं हसल सलेरी गाँव तहसील सुंदरबनी से हूँ। मैंने इस साल नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया है और मेरी एडमिशन GMC कठुआ में हुई है। मैं इस साल MBBS में दाखिल हो चुका हूँ और मुझे आज यहाँ पर डोगरा कल्याण फ्रंट ने सम्मानित किया है और बाकी भी मेरे जो साथी हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है सुंदरबनी डाल बंगला में। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस जगह पे इन्होंने इतना सम्मान किया और मैं अपने साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहें क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो मेहनत का फल है वो बहुत मीठा होता है। इसलिए बाकियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है जो भी जिस भी एग्ज़ाम में आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपनी मोटिवेशन हाई रखें और मेहनत करते रहें। मैं अपने टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत की मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सबसे बड़ा धन्यवाद उस भगवान को करना चाहूँगा जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम शर्मा है, मैं मरचोला गांव सुंदरबनी की निवासी हूँ। आज हम इस प्रोग्राम में आए थे और जम्मू एंड कश्मीर डोगरा लोक फोरम ने हम मेधावी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया था, जिन्हें नीट क्वालिफाई की थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं अपने दीदी के पहले से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो जो आपने मेरे जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि एक फोकस से डिटरमाइन होकर जो आपने गोल सेट किया है उस पाथ को फॉलो करो। साथ में अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जितने भी घर वाले हैं, भगवान हैं, इन सब पर भरोसा रखो। एक टीम वर्क बनाओ अपना और अपने टीचर्स का भी जो गाइडेंस वो प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, उन्हें अच्छे से सुनो और फोकस रह के अपना काम करो, तो सक्सेस आपका। लोक कल्याण फोरम की तरफ से जहाँ सुंदरबड़ी में नीट जो बच्चों ने की है उनको सम्मानित किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण का फोरम का वाइस चेयरमैन राकेश शर्मा, मैं सभी उन बच्चों को जिन्होंने JKKS नीट का एग्जाम या जो कमीशन ऑफिसर गए हैं, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने सुंदरबनी के इस पावन धरती पर सभी उन बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने ये एग्जाम जो है क्लियर किया है। इससे उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ जो बच्चे इनको देखकर अपना संघर्ष कर रहे हैं वो बच्चे भी इनको देखकर आगे बढ़ेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी इनके साथ हैं। और बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि वो अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने टीचर का पूरा ध्यान रखें, अपने समाज को कहीं नहीं भूलना है क्योंकि समाज के साथ ही सारी चीज़ें हैं। अगर आप 80% अपने घर को टाइम देते हो, मैं कहता हूँ कम से कम 20% टाइम जो है अपने समाज के लिए निकालें, अपने समाज के लिए भी काम करें ताकि हमारे समाज का उदास हो सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके। और बच्चे जो आपको देख के अभी संघर्ष कर रहे हैं उनका भी आप प्रेरणा स्रोत बने, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद, जय भारत।